स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ए जगदीप धनखड़, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी किरेन रिजिजू, डी नरेंद्र मोदी। आंसर ए जगदीप धनखड़। एक्सप्लेनेशन: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 अगस्त सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। इस रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसे देश भर के घरों में तिरंगा फहराने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न: केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? ए कर्नाटक और तेलंगाना, बी कर्नाटक और केरल, सी तेलंगाना और केरल, डी तेलंगाना और महाराष्ट्र। आंसर बी कर्नाटक और केरल। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदिचुनचुंदिरी और केरल के चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। दिल्ली में मोरों की मौत के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा को बताया कि उनकी मौत एवियन इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि लू से हुई है। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न: वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए भारतीय डाक, बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, डी दिल्ली मेट्रो। आंसर सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह इस पहल के तहत यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल के QR कोड आधारित टिकट को भारतीय रेलवे IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। इस सुविधा का पूर्ण संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत यात्री 120 दिन पहले मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट यात्रा की तारीख से 4 दिन के लिए वैध होंगे। अगला प्रश्न: किस महासागर संरचना का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है? ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। आंसर डी हिंद महासागर। एक्सप्लेनेशन: भारत ने हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भूवैज्ञानिक संरचनाओं के नाम प्रस्तावित किए हैं। अशोक सीमाउंट और चंद्रगुप्त रिज का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। कल्पतरु रिज तीसरी संरचना है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC ने हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तावित नामों को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर अब हिंद महासागर में 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न: जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? ए गस एटकिंसन, बी सूर्य कुमार यादव, सी बेन स्टोक्स, डी जो रूट। आंसर ए गस एटकिंसन। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2024 के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के गस एटकिंसन और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्रीलंका की चमारी अट्टापटु को दिया है। इंग्लैंड के टेस्ट डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर यह अवार्ड जीता।